जनाब, आपके मार्गदर्शन के लिए इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी के लिए इस वीडियो में पेट्रोल पंप की साइट्स कौन से सेक्टर में लाई जा रही है और साथ में कमर्शियल प्लॉट की स्कीम कौन से सेक्टर में आने वाली है, किस साइज के प्लॉट होंगे और किस साइज के पेट्रोल पंप के साइट्स होंगे, कौन कौन से सेक्टर इसको कवर करेगा, तो आइए एक खास वीडियो शुरू करते हैं आप सभी के लिए। वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का जोरदार स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे। जो नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, हर खास अपडेशन आपको मिलती रही है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो जनाब, सबसे पहला अपडेशन हम पेट्रोल पंप की साइट्स का कवर करते हैं। इसके लिए आपको बता दें, इसके लिए मात्र 3100 स्क्वायर मीटर का प्लॉट की अलॉटमेंट की स्कीम बहुत जल्द यमुना अथॉरिटी लेके आने वाली है। इसकी अगर हम रिजर्व प्राइस की बात करें तो लगभग 38,000 पर स्क्वायर मीटर का रिजर्व प्राइस यमुना अथॉरिटी की तरफ से रखा जाएगा। अगर हम बात करें ये पेट्रोल पंप कहां का स्थित होंगे, तो जनाब उन चार सेक्टर का जानने से पहले आपको ये बता दें कि जो ये साइज जो दिया गया है पेट्रोल पंप की साइट्स का लगभग 3100 स्क्वायर मीटर का, इसमें से लगभग जो 1600 स्क्वायर मीटर है इसके अंदर पेट्रोल पंप का बनाने का प्रावधान होगा। रहा 1600 छोड़ के 1500 स्क्वायर मीटर, उस 1500 स्क्वायर मीटर में जो वहां के कंसर्न वर्कर्स होंगे वो वहां पे अपनी फैसिलिटीज के अनुसार काम कर सकेंगे, रह सकेंगे। अब बात करते हैं कि क्या क्या सुविधाएं इसमें आएंगी। आपको ये बता दें कि कोई भी पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या कोई भी चार्जिंग स्टेशन, इन सभी का चीजों की नेसेसिटी हर एक आम इंसान को, रेजिडेंशियल सेक्टर हो या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर हो या कमर्शियल सेक्टर हो, और जेवर एयरपोर्ट के पास का बेहतरीन सेक्टर, ये जरूर डिमांडेबल जरूरत की चीज होती है, तो उसी को कवर करने के लिए ये प्रावधान, पेट्रोल पंप की साइट्स का प्रावधान लाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि ये कौन कौन से सेक्टर में पेट्रोल पंप की साइट्स का लाने का प्रावधान लाया जाएगा और इसकी अलॉटमेंट कैसे होगी। तो जनाब आपको ये बता दें कि सबसे पहला पेट्रोल पंप सेक्टर 1 सेक्टर 18 में आ रहा है, दूसरा पेट्रोल पंप की साइट सेक्टर 20 में आ रही है, तीसरी पेट्रोल पंप की साइट सेक्टर 22 डी में आ रही है, चौथी पेट्रोल पंप की साइट आपकी सेक्टर 28 जहां पे मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने का प्रावधान चल रहा है। तो जनाब आपको ये बता दें, इसमें सभी की सभी अलॉटमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें अलॉटमेंट का जो माध्यम रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ बिड के बेसिस पे, मतलब आपको जो है कोई इसमें ड्रॉ का बेस नहीं रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ बिड ही इसमें जो आप बोली लगाएंगे उसी के बिहाफ पे फाइनल जिसकी हाईएस्ट बोली जाएगी उसके नाम पे ये पेट्रोल पंप की साइट्स अलॉट कर दी जाएगी। जनाब अब हम कवर करने जा रहे हैं आपके लिए कमर्शियल प्लॉट की स्कीम। तो आपको ये बता दें, बहुत जल्द आपको लगभग 15 प्लॉट्स जो कि 100 स्क्वायर मीटर के एरिया में बनाने का प्रावधान, कमर्शियल प्लॉट की स्कीम आपको यमुना अथॉरिटी की तरफ से देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं ये कहां पे होगी। तो आपको ये बता दें, अगर आपने सलारपुर अंडरपास देखा है और जो F1 रेसिंग ट्रैक के बीच का जो 120 मीटर की वाइड रोड है उसके बिल्कुल पास में सेक्टर 22 का एरिया यमुना एक्सप्रेसवे का, वहां पे ही जनाब ये आपके लिए 2.5 कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की जो 100 स्क्वायर मीटर की बिल्डिंग कमर्शियल स्पेस के लिए आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। तो जनाब कहने का ये मतलब, जिस तरीके का आपने स्कीम में देख लिया, कितने लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, स्कीम तो वाकई धमाकेदार, हम कहें कि इसमें तो सिर्फ आपका किस्मत जिसकी वाकई में ऊंचाई के बुलंदियों को छूती है उसी का इसमें निकलेगा प्लॉट में जरूर नाम। लेकिन हम एक बात आपको शॉर्ट में बताएं, जिस भी तरीके से वहां पे डेवलपमेंट डे बाय डे और स्कीम्स का बोछार डे बाय डे चल रहा है, आने वाला समय
हकीकत में हर एक एरिया को छोड़ने के लिए, पीछे रफ्तार में छोड़ने के लिए साबित हो सकता है। तो जरूर मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना ना भूले, किसी भी तरीके का कमेंट करना ना भूले। जो भाई बंधु नए हैं वो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम हमेशा अपने इस वीडियो जो चैनल का माध्यम है वो सिर्फ और सिर्फ हर एक मिडिल क्लास को सपनों की ऊंचाई की बुलंदियों तक पहुंचाने का हमारा उद्देश्य है। तो अभी फिलहाल के लिए दीजिएगा मुझे इजाजत, मिलता हूं एक खास नई अपडेशन के साथ। गुड बाय, धन्यवाद।